बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। आज बनेंगे चावल गोभी चिकन और आलू वाले। इसमें मटर ऐड नहीं करेंगे आज। गोभी वाले चावल जी बनाते हैं, देखते हैं बच्चे एंजॉय करते हैं या नहीं एंजॉय करते हैं। ठीक है, प्याज जी हमने चूल्हे पे चढ़ा दी है, तो इसमें ऑयल डालते हैं। इसमें जी मैं टमाटर लहसुन अदरक और टमाटर और लहसुन और अदरक इन तीनों चीज़ों को ना पेस्ट बना के डालूँगी, क्योंकि टमाटर के पानी से भी ना लहसुन और जो अदरक का पेस्ट है ना वो अच्छे से बन जाएगा। प्याज जी ब्राउन हो गए हैं, तो इसमें डालेंगे ये जो हमने बनाया है लहसुन अदरक का और टमाटरों का धुआंदार धुआंदार। तो डालेंगे चिकन, तो चिकन में हमारा अच्छे से जो है ना फ्राई हो जाए। गोभी और आलू मैंने धो के ना अच्छे से उनको रख दी है साइड पे, तो उनका पानी निचड़ जाए। इसमें अच्छे से चिकन का कलर निकालते हैं। जो है ना 15 मिनट मैं भूनूंगी, तो फिर जो है ना इसमें नमक मिर्च ऐड करूंगी 15 मिनट के लिए। इसको भूनने पे छोड़ देते जी। मैंने सारे जो स्पाइसेस हैं, खड़े मसाले हैं, सारे इधर निकाल दिए हैं, तो ये सारे ना मिक्स करके डालूंगी। ये देख ले, इसमें सारे जितने खड़े मसाले हैं सारे इसमें हैं। एक सिर्फ दालचीनी नहीं है, वो देखो ना अभी मैंने देखा है तो मुझे समझ आई कि दालचीनी तो डाली नहीं है। अभी दालचीनी भी इसके अंदर रखती हूँ, सिलमन स्टिक जिसे कहते हैं। और जी गोश्त जी अच्छे से मेरा चिकन जो है ना वो तैयार है। अब इसमें ना सारे मसाले ऐड करेंगे। पानी डालूंगी, क्योंकि पानी वो जो टमाटरों वाला था ना अच्छे से ना। अब इसको इसी में भून लेंगे। ठीक है, वो टमाटर और लहसुन अदरक का था ना, तो इसके अंदर वो मैंने पानी डाल के ना वो इसमें डाल दिया कि ज़ाया नहीं किया। ठीक है, इधर जी मैं रायते का सामान बनाने लगी हूँ, तो इसमें डालूंगी जी सिर्फ खीरा और प्याज और टमाटर। खीरा जी मैंने काट लिया, अब डालेंगे इसमें टमाटर काट के
इधर की बारी आती है, ये डालते हैं जी गोभी और आलू। इनको करेंगे मिक्स। आलू मैंने बड़े बड़े काटे हैं कि जैसे अच्छी तरह सब को मिक्स करेंगे कि नीचे से ना कुछ मौज ना आए। ठीक है, ऊपर से ना इसको ढक के खाएंगे। इसको ढक देते हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें ना चम्मच हिलाएंगे। रखते में दही ऐड करेंगे। इसमें अगर बंद गोभी हो तो वो डाल सकते हैं, वो मेरे पास पड़ी हुई है, वो भी डालती हूँ इसमें। तो इसमें आप रेड जो बीन्स होते हैं लोबिया, वो भी आप डाल सकते हो, चने डाल सकते हो वाइट जो आपका दिन का उबले हुए आलू डाल सकते हो और बहुत मज़े का फिर रहता बनता है। ठीक है जी, रहते में जो चीज़ मर्जी है डाल दो, इतनी ज़्यादा सब्जियां डालोगे इतना ही मज़े का रहता बनेगा, मुकम्मल फ्लेवर वाला। यानी हर सब्ज़ी के अपना टेस्ट होता है ना। एक ही दफ़ा शीशे का जो प्याज खाना वो दूसरे छोटे हैं, एक बड़ा है वो ना मेरे से ही टूट जाते हैं। इसमें थोड़ी सी ना डालती हूँ गोभी और मज़े का हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी चिट डालेंगे जी ब्लैक पेपर, इसके भून के जीरा भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा नमक। बस इसको करते हैं रायता, जिसमें चटनी पुदीना और चटनी पुदीना जिसमें होता है पुदीना धनिया और हरी मिर्चें कूट के डाली जाती हैं ना, उसको रायता नहीं कहते, वो चटनी हो जाती है। रहता ये होता है, ये बनाए और मज़ेदार सी चावलों के साथ ना खाएं। फिर देखें चावल तो किन्ने मज़े के लगते हैं, सही है। जिते तुम एक प्लेट खानी है उत्थे तुम दो प्लेटा खाओगे। थोड़ी हल्की आँच कर दी है ना, देखिए कितने मज़े की हो रही है। इसमें ना हरी मिर्चें भी ऊपर से डाल देते हैं, इनका भी चावलों में ना अपना ही स्वाद आना है फिर। ठीक है, रहते के ऊपर देखिए अंदर तक शानदार हो गया कि नहीं हो गया, शानदार मज़ेदार और ब्यूटीफुल और खूबसूरत और टेस्टी और लजीज और अच्छा और डिलिशियस और जिन्ने जिन्ने और करते जाओ तो इन्ने इन्ने और मज़े आते जाओ। ठीक है, ज़रूर ट्राई करो, तो फीडबैक जरूर देना है।
ते मेरी वीडियो नू लाइक करना है, शेयर करना है और प्यारा जहा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करना ते सब्सक्राइब कर छोड़ो प्लीज हूँ तक इज्जत ना तनु आख्या प्लीज। इतनी मज़े की इसमें खुशबू आ रही है ना, तो जब डुबकी लगाएंगे इसके अंदर चावल आता है, फिर जब निकालेंगे प्लेट में तो फिर क्या ही इसमें गोभी की और मसाले की ऐसे खुशबू नस नस के बाहर आ रही है ना कि बस कहनिया ने खा लो। ये तो रोटी के साथ भी ना क्या यम्मी सालन बन गया है ना, कितने मज़े का बन गया माशाल्लाह। ठीक है तो आप ज़रूर ट्राई किया करें जो मैं रेसिपी देती हूँ, बिल्कुल सादा सिंपल रेसिपी होती है और खाने में हल्की होती है और मज़ेदार होती है। इसमें कोई मैं बाहर वाला मसाला जैसे कि टिक्के कबाब वाला मसाला यूज़ नहीं करती क्योंकि वो मुझे खुद अच्छे नहीं लगते, तो फिर मैं ना बच्चों को भी वो नहीं देती। ठीक है तो इसमें जी ऐड करते हैं पानी तो इना वे तो सा हलवा बन जाए। पानी जी मजबूत पानी हूँ बना के भी सूट दिता पानी हूँ इंतजार करांगे इस पानी का। तो मेरे ना 4 कप चावल सी ते मैं ये 6 कप पानी पाया। ठीक है 6 कप पानी हमेशा चावला तो थोड़ा कम पानी रखो क्योंकि फिर वो जो है ना खिले खिले बनते हैं। मेरे तो चावल भी वैसे छोटे आजकल आ रही हूँ तो फिर वो ना अगर गल जाए तो कई हलवा तो अच्छे बन जाते हैं। पानी जी उबलना शुरू हो गया इसमें डालेंगे अब चावल चावल कुटांगे ये कुटांगे नहीं इसमें ऐड करेंगे जी चावल सुखने तो होंगे न बहुत असं सुखने ना अभी तो खाने ने तो जिस कि अल्लाह ताला का ठीक है शुक्र अलहमदुल्ला ये ऐड कर सबको जी हमारी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक पाकिस्तान वालों को और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं यूके वाले अमेरिका वाले कनाडा वाले डेनमार्क वाले और जो इंडिया में अगर हमारी कोई मुसलमान या कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है उनके लिए भी बांग्लादेश वाले भी और सबको दुबई वालों सऊदीया वालों सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत थी जिसका अल्लाह ने हमें इतना बड़ा इनाम दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है तो सबको जी जश्न आज़ादी मुबारक 14 अगस्त मुबारक
اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے وطن پاکستان کو دن رات دگنی, دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. ساریاں مشکلات پریشانیاں تو اللہ تعالیٰ پاکستان نو محفوظ رکھے, تو محفوظ ہے تو اگو بھی رکھے, دشمنانیاں چل آ کے ٹھیک ہے. دم لگانے کی اس کو 5 منٹ کا دم لگائیں گے, ٹھیک ہے. یہ لگ جائے گی 5 منٹ کا دم, تم ہو جاؤ بند. دیکھیں جی ہمارے چاولوں کی دم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ. ایک تو نا ادھر شور کرنا شروع ہو جاتے ہیں کچن کے میں آئے نا, ان کو ساری باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جب میں کیمرہ آن کرتی ہوں. بس آپ اس پہ نہ فوکس کریں, آپ نہ چاولوں پہ فوکس کریں, ٹھیک ہے. وہ خاموش نہیں رہیں گے. یہ جی دیکھیں ہمارے چاول, ٹھیک ہے, کتنے مزے کے بنے ہیں, پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ نہیں, ٹھیک ہے, لیکن بہت نائس بنے ہیں. یہ نزدیک سے دکھا رہی ہوں. تو جزاک اللہ خیر جی, اپنی دعا میں رکھیں, یاد ہمیں دیں اجازت کسی نئی آنڈی کے ساتھ, کسی ودیے جی آنڈی نال پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.